हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना को लेकर पिछले दो महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका असर अब दिख रहा है। हॉलीवुड से बॉलीवुड की कई फिल्में कोरोना के कहर के कारण रिलीज नहीं हो रही और कई स्टार्स ने फिल्मों की शूटिंग भी बंद कर दी। इस बीच साल 2011 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म कंटेजन इस समय काफ़ी चर्चा में है। इसे स्टीवन सोडरबर्ग ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में मैट डैमन और ब्राउन क्रेस्टल जैसे स्टार्स ने भी काम किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन 9 साल बाद कोरोना वायरस के चलते ये फिल्म एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जी हाँ, दुनिया भर के लोग अब इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्या है इस फिल्म में, तो हम आपको बताते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक वायरस महामारी का कारण बन जाता है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक शेफ संक्रमित मांस को छूने के बाद हाथ नहीं धोता है और उसके बाद वो दूसरे लोगों से हाथ मिलाता है और वायरस फैलना शुरू हो जाता है। ग्वेनेथ हांगकांग में एक अजीब बीमारी महसूस करती है। वो इसके बाद US लौट आती है लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में वायरस के फैलने का कारण सुअर और चमगादड़ के मांस को बताया गया है। वहीं हाल ही में खबरों में ऐसा दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ के मांस से फैल रहा है और इस फिल्म की तरह ही कोरोना वायरस भी हाथ मिलाने और लोगों के संपर्क में आने से लगातार बढ़ रहा है। तो फिल्म की कहानी से लोग खुद को वर्तमान परिस्थितियों से रिलेट कर पा रहे हैं। फिल्म में खाली शहर, स्पेशल वार्ड्स में भर्ती बड़ी संख्या में मरीज और खुद को घरों में कैद किए हुए लोग जैसे सीन्स दिखाए गए हैं। वैसे आपने ऐसी फिल्म कई बार देखी होगी जो सच्ची घटना पर आधारित होती है या किसी घटना के बाद फिल्म बनाई जाती है, लेकिन आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि एक फिल्म की कहानी 9 साल बाद सच हो गई है। बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर लगभग 1110 पहुंच गया है और चीन में अब तक करीब 42,708 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले की संख्या भी 105 पहुंच चुकी है। इसमें से 11 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने भी विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल कॉलेजेस को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों को भी बंद कर दिया है। और खैर, हमारी तो आपसे बस यही अपील है कि कोरोना वायरस से बचाव के हर वो उपाय अपनाएं जो ज़रूरी है और स्वस्थ रहिएगा।